तो दोस्तों अभी आपके सामने जेएमए सुशांत कपूर का ये बहुत ही अच्छा आपका फिजिकल क्वेश्चन जिसमें आपको दिया है, एक बॉल है आपकी जिसका मास एम है, उसको आपने प्रोजेक्ट किया है एट द स्पीड वी विद द हॉरिजॉन्टल और आपने 30 डिग्री पे उसको प्रोजेक्ट किया है। तो 30 डिग्री पे मैंने दोस्तों इसको प्रोजेक्ट कर दिया है और इसके बाद क्या है आपको दोस्तों निकालना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट मैक्सिमम हाइट। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा तब इस पर दोस्तों आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब जो जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो तब आपको इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है कौन से पॉइंट के अलावा, ये जो इसका पॉइंट है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन उसके अलावा। तो अब निकालते कैसे हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को दोस्तों हम एल से लिखते हैं और इसको हम कैसे निकालते हैं एम आर क्रॉस वी से। तो अब यहाँ पर मैं इसको खोलूँ तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको साइन थीटा दे देगा, तो एम वी आर साइन थीटा होता है। और अब यहाँ पर आप देखें तो मैं ये यहाँ पर कौन सी हाइट लूंगा, थीटा आपका इधर पे 90 हो जाएगा क्योंकि वी और आर में ये लूंगा तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 है, तो साइन थीटा तो साइन 91 हो जाएगा। हाइट में कौन सी लूंगा, मैक्सिमम हाइट लूंगा क्योंकि यही मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनने वाली है। और अब मैं दोस्तों लिखूंगा एम वी आर, एम वी आर हमें दोस्तों लिखने वाला हूँ। अब आर तो मेरे को पता चल गया मेरा मैक्सिमम हाइट होने वाला है, तो और वी क्या होगा जब दोस्तों वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर है, मैक्सिमम हाइट पर देखें तो मैं अगर दोस्तों इसको ऊपर फेंकूँ तो अगर ये यहाँ जा रहा है तो इसके पास मैक्सिमम, जो मैं इसको ऐसे फेंकूँ तो जब ये इधर जा रहा है तब दोस्तों इसकी जो वर्टिकल में आपकी जो वेलोसिटी है जीरो है। क्यों, क्योंकि अब ये ऊपर नहीं जा रहा, प्रोजेक्टाइल का मतलब ही होता है आगे भी जाए ऊपर भी जाए, लेकिन अब लेकिन इस पॉइंट के अलावा जो इसकी मैक्सिमम हाइट है उसमें ये सिर्फ आगे जा रहा है, मतलब इसकी ऊपर वाली वेलोसिटी क्या है जीरो है। तो इसके पास सिर्फ इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचेगी और वही आपकी बचेगी जो आपकी इनिशियली थी, क्योंकि एक्स में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स में कोई एक्सेलरेशन आपका नहीं है, एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में है। तो एक्स में एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, वही रहेगी आपकी एक्स वाली जो वेलोसिटी थी और वो कितनी थी, ये वी है। तो इसके मैं दो कंपोनेंट लूंगा, एक इधर पैदल कंपोनेंट अलोंग है एंगल, तो ये वी कॉस 30 हो जाएगा, तो वी कॉस 30 आपके पास बचने वाली है, वी कॉस 30 इसके पास बचने वाली है। अब आपको यहाँ पे रख देना है एम वी कॉस 30 कितना होता है अंडर रूट 3/2 इंटू आर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन 30 का होल स्क्वायर 1/4 अपॉन 2g। तो अब यहाँ से ये आपको कितना आ जा रहा है, ये 2 × 4 = 8 अंडर रूट 3/8 एम बी क्यूब बाई जी, ये आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आर जो है उसको लेना है, आपकी जो मैक्सिमम हाइट है उसको लेना है और वेलोसिटी आपको रख देनी है। और भी आपसे पूछ सकते थे कि अगर वो मैक्सिमम हाइट पे नहीं गया है तब उसका कितना है, तब आप निकाल सकते थे वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली एमसीक्यूज के लिए आप कभी पोस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। एक और मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अगर आपको वो क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप उसका आंसर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास एक प्रोजेक्ट आई है, इसको मैंने दोस्तों थीटा एंगल पे फेंका है और इस पे दोस्तों मैंने क्या किया, इसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में डाल दिया, इसको मैंने एक सर्कल में डाल दिया कब, इसकी मैक्सिमम हाइट पर। और आपको बताना है कि वेलोसिटी जो है वो थीटा के टर्म्स में क्या आएगी, वेलोसिटी इसका रेडियस अगर मान लीजिए था, नहीं वेलोसिटी को थीटा के टर्म्स में नहीं, इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड आपका क्या आएगा, इसका आपका टाइम पीरियड क्या आएगा इस सर्कल का, नहीं जब ये आपका घूमने लगेगा, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल हाइट पर मैंने इसको यहाँ से पकड़ कर इस सर्कल में डाल दिया, तब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसको आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग और जेके पी वाई क्यू सब डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं।